केंदुझार जिले में ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला बीजेपी की तरफ से जिलापाल ऑफिस सामने हड़ताल की गई, जिसमें जिला बीजेपी का कहना है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के सामने एक बोलेरो गाड़ी को संदेह के रूप में देखा गया है, जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे। इसी के चलते केंदुझार पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वही ये कोई बार पहली बार नहीं है जब सुरक्षा को लेकर मामला ये सामने आया हो। ओडिशा के केंदुझार जिले में ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला बीजेपी की तरफ से जिलापाल ऑफिस के सामने हड़ताल की गई, जिसमें जिला बीजेपी का कहना है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के सामने एक बोलेरो गाड़ी को संदेह के रूप में देखा गया था, जिसमें 5 लोग सवार थे। इसी के चलते केंदुझार पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि कल रात करीब 12 बजे हम लोग को ये सूचना मिला कि हम लोग का जो ईवीएम जहाँ पर रखते हैं स्ट्रांग रूम है, उसका पास कोई संदिग्ध आदमी एक बोलेरो में 4 आदमी वहाँ आपस में बातचीत कर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। जब हम लोग को जानकारी हुई कि ऐसा कोई संदिग्ध आदमी वहाँ पर है, तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुंचे और देखे कि 4 आदमी थे, 3 लोग भाग के चले गए और एक आदमी गाड़ी का सब पकड़ा गया। उसका बाद हम लोग लोकल थाना ऑफिसर को बुलवाया, उसका अगेंस्ट में हम लोग कार्रवाई करने के लिए मांग की। स्ट्रांग रूम जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम होता है वो एक तो नो प्रोहिबिटेड एरिया है और उस प्रोहिबिटेड एरिया का अंदर कोई भी आदमी नहीं जा सकता है विदाउट दी अप्रूवल ऑफ दी लोकल अथॉरिटी और दी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। उसका बाद ये देखने को मिला कि कैसे उसका अंदर गाड़ी घुसे और कैसे आदमी लोग वहाँ घूमते फिरते, ये हम लोग का मन में सहज आता है कि ये बीजू जनता दल की प्रायोजित कार्यक्रम है, उसका खिलाफ दृढ़ कार्यानुष्ठान करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम स्ट्रांग रूम और सब प्रोटोकॉल ठीक से अच्छे से फॉलो किया गया है, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स का वहाँ डिप्लॉयमेंट है, तो जो ये ग्रीवेंस या इनका जो एक इशू था दैट उस इशू में कोई बेस नहीं है। इट इज़ अ फॉल्स एंड इकोटे फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स इशू रेज किया, तो भी उनके साथ बात करके वी हैव रिजॉल्व ऑल द इशूज, प्लस हैव इंश्योर ऑल द प्रिकॉशंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है उसको पूरी तरह से हम